स्कूबा के लिए मुझे ये फालतू पड़ा रहता है ऐसे भरा फोटो वोटो है फोटो खींची थी या नहीं नहीं फोटो खींची थी लेकिन इसने याद आया ये देखो मेरे पति देखो आजकल ना कुछ ज्यादा ही सूझ रहा है घूमना कोरोना काल में रात के हो रहे हैं मुझे प्यार दिया संभाला तुम्हें आला ठीक नहीं लगते ये बात तुम्हें कहीं आज मैंने ये वाला चादर अभी अभी जस्ट इसको बिछा दिया क्योंकि सो के हम लोग उठे हैं तो थोड़ा सा बेड तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए और इसका तकिया मैंने पता नहीं किस जगह पे रखा है इसका कवर चादर तो बिछाए जा रही है पर इसका जो कवर है वो मिल नहीं पा रहा है उसे मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा कुशन को भी चेंज करके इससे मिलता जुलता ये लग रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया ये मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वाला प्रिंट और बहुत स्मूथ भी है ये वाला चादर लेकिन मेरे पलंग के हिसाब से उतना मैं अच्छा से इसको चीप नहीं पाती हूँ अगर बच्चे खेले कूदे तो 2 मिनट बाद ये बिखर भी जाएगा। ये सुपर किंग साइज का पलंग है जिस वजह से मुझे इस पे चादर लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। सोम्या पलक और मोमो तीनों के लिए ये मेरे पास बस 2 पैकेट ही बचा है तो वो मैं उन लोगों को बना देती हूँ उन लोगों को बहुत पसंद है। हाँ मोमो बस मैगी करती है खाती वाती नहीं है बस उसको देख के वो पैकेट देख के वो क्या करती है इसमें से कच्चा कच्चा निकाल के खाती है। मेरे पास ये सीधा ना हाँ एक्चुअली कल 2 पैकेट लेके आए थे तो 1 पैकेट का तो मैंने ब्रेड चॉप बना दिया 1 पैकेट मेरे पास है तो ब्रेड तो ज़्यादा दिन तक रखेंगे नहीं तो इसका हम लोग चाय बना रहे हैं चाय के साथ इसको यूज करूँगी मैं और इनको अपने हस्बैंड जी को क्या दूँ हाँ इनको गोल मिर्च और नमक हल्का सा उस पर डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है घी हल्का सा लगा के उसके बाद फिर इसको दे के तो उनको वैसे बना के दे देती हूँ क्योंकि मेरे पास जैम नहीं है जैम के साथ ये खाते भी नहीं है
बच्चे खाते हैं, बच्चे तो सॉस के साथ भी खा लेंगे, पर वो लोग आज मैगी खा रहे, तो मैं और ये ब्रेड खाएंगे। एक बार बताओ सीक्रेट, कितना भी मैं ब्रेड खा लेती हूँ पर ना रोटी और सब्जी बना के खाने में मतलब एक संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि क्या बोले, मतलब यूँ समझ लीजिए कि पेट भर जाता है बस। और ये कितना भी खा लो ना लगता नहीं है, ये टेम्प्रोरी ठीक है, आलसीपन में कभी कभार चल जाता है। डेली नहीं खाती हूँ पर कल और आज दो दिन लगातार होंगे। मैं बाबू के लिए मैगी बना रही हूँ, हम लोग अपने लिए और अपने लिए ब्रेड बना रहे हैं। ब्रेड क्या के साथ खाएंगे? ब्रेड मैं तो चाय के साथ खा लूंगी और आप खा लेना। क्या किसके साथ खाएंगे? मैगी के साथ। तो हम सोच रहे थे नहीं बटर सॉस से सॉस सॉस के साथ भी नहीं। अरे वो मियोनी के साथ खाएंगे। शैतान गई मैं नहीं। आप पता है मेरे हस्बैंड को ब्रेड खाना है वो मिल्क मेड के साथ, उनको मन है खाने का, तो जिस दिन मैं लेके आई थी उस दिन पलक ने सारा खाया। हाँ संभालू उनको मिला, थोड़ा सा मिला, तो वो फिर आज ले जा रहे लेने के लिए। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, खासकर बाहर का है ना, इसीलिए वही मैं सोची कि दूध लेके घर में बना दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को दूध का जो खोया जैसा बनता है तो साइड साइड में मोटा मोटा लेयर आ जाता है, तो उसको बोली नहीं मम्मी मुझे प्लेन वाला पसंद है, तो वो लेने गए हैं। और इसने क्या बोला बोलो बोली मैंने नहीं खाया, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं युधिष्ठिर की बेटी हूँ ना इसीलिए, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरा भोला चेहरा देखो। अरे नहीं यार, आजकल के डेट में ना जरूरत से ज्यादा सच बोलना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप, रामायण और महाभारत का असर है। सो प्लीज अभिशाप मतलब झूठ बोलना ना बहुत बड़ा, एक तरह से सच बोलना, सच बोलिए किसी के सामने तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है एक तरह से सोचिए तो। तो मैं ये नहीं बोलती कि एनी टाइम झूठ बोलते रहो, पर अगर किसी के मुंह पे जाके बोल दीजिए कि आप बंदर लग रहे हैं तो उसको तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ही, तो समय समय की बात है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलो। ये मेरा पर्सनल जो सोच है, आप इसको अदरवाइज दिल पे मत लेना यार। लेके आओ बाबू को। आज बहुत देर के बाद आप लोग से मिली हूँ। लूडो नहीं खेलना है क्योंकि सुबह से कुछ काम वाम किया आपने देखा ही, उसके बाद जो है मैं इस कमरे में आ जाती हूँ। मेरे कमरे में बहुत सारे कपड़े आपको दिखेंगे पहले जैसे से रस्सी लगा के, क्योंकि मशीन में तो मैंने सुखा दिया था, लेकिन अभी जो है बारिश हो रही है और हम लोग जो है बंगाल की खाड़ी के नज़दीक हैं, तो बंगाल की खाड़ी में अम्फन जो भी है तूफान जो आया है इस नाम का, जिस वजह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवाएं जो है चल रही है, दीघा में करीब आ चुका है, दीघा के करीब, तो न्यूज़ में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता ही है, तो इसलिए हमारे कपड़े जो है इधर सूख रहे हैं। और मैं अभी लेके बैठी हूँ चना भाजा प्याज नमक तेल लगा के थोड़ा सा खाने के लिए, और मौसम ऐसा किया हुआ है ना, मैं खाना वाना खाने के बाद सो गई फिर आप लोगों से मुलाकात ही नहीं हो पाया। बहुत देर तक आप लोग का दिमाग भी नहीं चाहती, बग बग भी नहीं किया मैंने, मेरे सर भी ना यहाँ पे हल्के हल्के दर्द कर रहे हैं, और नींद इतना अच्छा नींद आया ना कि सो जाने के बाद मैं सब कुछ भूल गई, बोली कि अरे यार
हर वक्त यूट्यूब यूट्यूब से अच्छा है थोड़ा सा अपना लाइफ भी तो है। तो अभी उठने के बाद मैंने चाय वाय बनाया, चाय पिया और उसके बाद फिर सोची चलो थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ, बात करते करते ये चना खा लूँ। और अभी भी बारिश हो रही है, अभी पता है अभी जो है वो रात को काफ़ी तेज़ 200 प्रति किलोमीटर की हवा जो है वो चल रही है रफ्तार से, और अगर कम पड़ जाए तो शायद इधर आते आते थोड़ा कम हो जाए, अदरवाइज़ मतलब पूरा बंगाल बिहार झारखंड ये सब जगह उड़ीसा सब जो है वो आएगा। और न्यूज़ से तो सबसे ज़्यादा मैं ही आप लोगों को बता दी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहले चले चना खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चल रही से बंगाल में कुछ होगा तैयारी मेरे हस्बैंड जी का पीछे से बाल गए हैं। क्या चीज, अभी मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था तो मैं तेल लगा के अभी लाल वाला नवरत्न वाला तेल लगाई हूँ। अभी एकदम कुछ भी ना मन नहीं कर रहा कि मैं बनाऊँ, रात का तो खाना तो लेकिन बनाना पड़ेगा। भिंडी का, भिंडी है, भिंडी का बना लेती हूँ। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली मैं कम बोल रही हूँ आजकल लाइक करने के लिए, क्योंकि जिसको मन में आएगा वही लाइक करेगा, अदरवाइज़ बोलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, आगे भगवान जाने लग जाने, और आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता है तो मैं ज़रूर जो है अपने टारगेट को पूरा कर सकूँगी। सो गुड नाइट, बाय बाय।